नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को लाने में और उसे पालने पोसने में पाकिस्तान का पूरा हाथ था, ये किसे नहीं पता। मगर अब पाकिस्तान के भाई तालिबान ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान को ही ठोक रहे हैं, कभी भी पाकिस्तान आर्मी में हमला कर देते हैं। हाल ही मामले में शुक्रवार को अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से सटे ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई। दावा ये किया जा रहा है कि तालिबान लड़ाकों ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। पाकिस्तान की तरफ से भी तालिबान के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इन मुठभेड़ों का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि तालिबान ड्यूरन लाइन को आधिकारिक सीमा नहीं मानता है और पाकिस्तान जबरदस्ती बाड़ लगाने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक अमीरात की सेना को चारबुर्जक जिले के जाकिर गांव की ओर जाते देखा गया है। उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर भी नजर आया था। अमरीका में रहने वाले एक अफगान पत्रकार हाशिम वहदत्यार ने दावा किया कि तालिबान बलों ने इमरोज प्रांत में ड्यूरन लाइन के पास पाकिस्तानी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर पर तालिबान के हमले में पाकिस्तानी सेना के एक जनरल को गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना ने तालिबान से अगले 24 घंटे में हमलावरों को सौंपने का अनुरोध किया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के इस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी निमरोज प्रांत से सटे इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सेना के संभावित हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस साल फरवरी में भी पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच कुनार के दंगम जिले में झड़प हुई थी। तब पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के खिलाफ भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया था। उसी तरह दिसंबर 2021 के कुनार प्रांत में भी ड्यूरन लाइन के पास पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी होती रही है। तब तालिबान ने ड्यूरन लाइन पर बाड़बंदी कर रही पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ दिया था। इतना ही नहीं, तालिबान ने बाड़बंदी के सामान को भी तहस नहस कर दिया था। ये वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान ने मान्यता दे रखी है और अफगानिस्तान में तालिबान को लाने में बहुत बड़ा हाथ था। अब ये तालिबानी उल्टा पाकिस्तान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तालिबानी सोच का भी पाकिस्तान समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान को कश्मीर की तरफ मोड़ देंगे। पाकिस्तान अपने मतलब के लिए तालिबान को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर अब लेने के देने पड़ गए हैं। तालिबान कभी भी पाकिस्तान बॉर्डर पर हमला कर देता है और पाकिस्तान आर्मी के जवानों को मौत के घाट उतार देता है। अब इन तालिबानियों को पाकिस्तान भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में इनके सपोर्टर की कमी नहीं है। तालिबानियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी भी नहीं है। अमरीका जाते जाते अपने हथियार इनके लिए छोड़ गया था और अब इन्हीं हथियारों से पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर रखी है।